कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुमति दी है। एमपी सरकार ने एमएसपी बढ़ाने की अपील की थी, एमएसपी 4800 रुपए करने की अपील की गई थी और इस पर केंद्रीय मंत्री ने अनुमति दे दी है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, जहां सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने के लिए खरीदी की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुमति दी है। दरअसल एमपी सरकार ने एमएसपी बढ़ाने की अपील की थी, जिसमें 4800 रुपए एमएसपी करने की अपील की गई थी और इस पर केंद्रीय मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। तो एमपी के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत कह सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल से, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गया। शैलेंद्र, क्या 4800 रुपए कर दी गई है एमएसपी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र के दौरे पर गए थे, उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को सोयाबीन की एमएसपी देने का ऐलान किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सवाल खड़े करने लगी थी कि क्या मध्य प्रदेश के किसानों को ये अधिकार नहीं है कि उनको एमएसपी पर उनकी सोयाबीन खरीदी जाए, वो भी तब जब मध्य प्रदेश स्टेट के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ सबसे अधिक सोयाबीन होती है। और देखिए कल जिस तरीके से किसान आंदोलन भी कांग्रेस की तरफ से किया गया था और इसमें ये मांग ये भी थी कि सोया स्टेट को सोयाबीन का जो उचित दाम है वो मिलना चाहिए, और कल की जो कैबिनेट हुई उसमें भी इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई थी कि केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा और मध्य प्रदेश के सोया किसान है इनको भी जो पर्याप्त दाम मिले उसके लिए केंद्र सरकार को कहेंगे। और कल भी केंद्रीय कृषि मंत्री से जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार से वो लगातार संपर्क में है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो रेट तय करके उनको एक प्रस्ताव भेजा जाएगा उसको तत्काल मंजूर कर दिया जाएगा। और कल देखिए कल दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें यह प्रस्ताव लाया जाता है कि मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन का जो एमएसपी है वो दिया जाएगा, और उसके बाद अब मध्य प्रदेश की इस मांग को केंद्रीय कृषि मंत्री ने तत्काल तौर पर स्वीकार कर लिया और मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर है कि उनकी सोयाबीन को अब 4800 रुपए एमएसपी पर खरीदा जाएगा। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है कि उनको एमएसपी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत कर रही थी और मांग भी कर रही थी, अब उस मांग को मानते हुए मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रस्ताव उस मांग को मानते हुए अब केंद्र सरकार ने एमएसपी किसानों को एक बड़ी राहत या कहें बड़ा तोहफा देने का काम किया है। जी यानी कि जो सोयाबीन की फसल की अब खरीदी होगी वो एमएसपी का जो रेट है 4800 रुपए उस हिसाब से होगी और ये वाकई में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं शैलेंद्र, क्योंकि पीला सोना उगाता है किसान मध्य प्रदेश का। सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा ये सोयाबीन मध्य प्रदेश से ही निकलता है, जो बाहर दूसरे राज्यों में तो जाता ही है, विदेशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग थी कि सोया को अब एमएसपी जो है, जो रेट है इसका तय किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को इससे फायदा मिल सके। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के किसान लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे, और देखिए मध्य प्रदेश वो राज्य जहाँ सबसे अधिक सोयाबीन की उत्पादन होता है, और न केवल मध्य प्रदेश के उत्पादक जो लोग हैं उसका आप उपयोग करते हैं, बल्कि देश विदेश में भी सोया ऑयल के तौर पर ये सोयाबीन की खपत होती है। तो ऐसे में मध्य प्रदेश के किसान लगातार ये मांग कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि बंपर तौर पर जो है उत्पादन तो हो गया लेकिन उसका उचित मूल्य न मिलने के चलते किसान जो है वो थोड़े से नाराज नजर आए थे, नाकुश नजर आए थे, और वो कह रहे थे कि इतनी मेहनत करने के बाद जब वो फसल उगाते हैं और अगर उसकी एमएसपी नहीं मिलती है, उसको उचित दाम नहीं मिलता है, तो आखिर कैसे जो खेती है वो लाभ का धंधा बन पाएगा। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की इस मांग को सुना है और कल कैबिनेट में जिस तरीके से प्रस्ताव लाया गया था, कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देखो क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री जो है मध्य प्रदेश सरकार में 18 साल तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वो है कृषि कर्मण पुरस्कार भी लगातार वो मध्य प्रदेश के खाते में लाते रहे, तो ऐसे में वो समझते हैं कि किसानों के लिए कौन सी चीज अति आवश्यक है और उसी आधार पर अब इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और ये अब मध्य प्रदेश के किसानों को जो खरीदी की जाएगी सोयाबीन की वो एमएसपी पर खरीदी जाएगी। जी जी बिल्कुल, भारतीय किसान संघ ने 16 सितंबर से आंदोलन की भी बात कही थी शैलेंद्र, यदि याद होगा, क्योंकि किसानों में नाराजगी थी कि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस तरीके से फायदा मिलता है राज्य सरकार को, उस हिसाब से किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और मेहनत उनकी बराबर लग रही है, और जिस तरीके से उन्होंने लगातार मांग की थी उस पर थोड़ी सुनवाई नहीं हो रही थी। कल ही जैसा कि आपने बताया कि मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, कैलाश विजयवर्गीय ने साफ स्पष्ट किया कि तुरंत इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा और आज ही इस पर मुहर भी
लग गई है केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से। शैलेंद्र, तो अब 4800 रुपए क्विंटल किसानों को का जो सोया है वो खरीदा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए किसान महापंचायत हो, कांग्रेस हो या जो किसान सीधे तौर पर हो, लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि उनकी सोयाबीन की एमएसपी तय की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में लगातार सोयाबीन का पैदावार जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन पैदावार तो बढ़ रही थी लेकिन उचित दाम जो है वो किसानों को नहीं मिल रहे थे, जिसके चलते कई किसान जो है वो सोया की फसल उगाने से डरते भी थे कि यदि उन्होंने सोयाबीन की उगाई फसल उत्पादित की और ऐसे में उसको उचित मार्केट वैल्यू नहीं मिली तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने उन किसानों की समस्याओं को समझते हुए और इस निर्णय को कल प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर आए थे और उसी प्रस्ताव को अब हरी झंडी केंद्र की तरफ से दी गई है। जी बिल्कुल, और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से तकरीबन लाखों टन जो सोयाबीन का उत्पादन होता है, एक्सपोर्ट होता है, और ये बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए भी है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां पर एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, इंदौर से, जहां महू में आर्मी ऑफिसर से लूट मारपीट का मामला सामने आया। आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्र से लूट की गई है। बड़गोंदा थाने के जाम गेट में बंधक बनाकर लूटा गया। कार में बैठे आर्मी ऑफिसर महिला मित्र को लूटा गया। 5 से 7 बदमाशों ने मारपीट के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में लूट की वारदात हुई है। बड़ी खबर इंदौर से, जहां महू में आर्मी ऑफिसर से लूट हुई, मारपीट हुई, आर्मी ऑफिसर और उनकी महिला मित्र के साथ मारपीट की गई है। संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, आर्मी ऑफिसर महिला मित्र के साथ लूट की वारदात हुई है? देखिए पूरी जो घटना है वो कल देर रात लगभग 11-12 बजे की बताई जा रही है। जो अभी तक जानकारी सामने आई है, ये ट्रेनिंग ऑफिसर है आर्मी के, और ये दोनों जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उनके साथ में उनकी महिला मित्र भी थी। ये कार से घूमने के लिए जाम गेट की तरफ गए थे, और अगर जाम गेट की बात की जाए तो इंदौर के समीप एक बड़ा पर्यटक स्थल, बड़ी संख्या में लोग वहां घूमने जाते हैं, और जब वो रात को वहां पे मौजूद थे, कार के अंदर बैठे हुए थे, बातचीत दौर चल रही थी, इसी दौरान पर पांच से छह अज्ञात बदमाश वहां पर आ जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और उसके बाद जो महिला मित्र है और ट्रेनिंग ऑफिसर उसमें से एक को बंधक भी बना लेते हैं। फिर दूसरे ट्रेनिंग ऑफिसर को बोलते हैं कि जाओ अपने एटीएम से पैसा निकालो और वो पैसा लेकर वापस आओ, तब तक वो यहां पर बंधक है। उसके बाद ट्रेनिंग ऑफिसर जाते हैं वहां से अपना पैसा लेकर, एटीएम से पैसा निकालते हैं, लाकर इन बदमाशों को पैसे देते हैं। इनके पास जो गोल्ड था वो गोल्ड भी ले लिया, जो नगद पैसे थे, जो मोबाइल था, किसी एक ऑफिसर का मोबाइल भी लेकर ये बदमाश चले गए। हालांकि उसके बाद ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर है ये पास में ही बड़गोंदा थाना वहां पर पहुंचे, वहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत की है। अभी तक इस पूरे जो लूट की वारदात है इसमें चड्ढी बनियाइन गिरोह का नाम सामने आ रहा है कि ये जो बदमाश थे जिस तरीके से उन्होंने वेशभूषा पहन रखा था, पुलिस को जो ट्रेनिंग ऑफिसर ने बताया ऐसा माना जा रहा है कि ये चड्ढी बनियाइन गिरोह ने इस पूरे लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन इंदौर में एक ये बड़ी घटना हुई जहां पर ट्रेनिंग ऑफिसर जो है वो लूट के शिकार हुए, उनके साथ मारपीट भी की गई है, महिला मित्र जो उनके साथ बैठी हुई तो काफी डर गई थी। हालांकि अब पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है। खुद ग्रामीण आईजी जो है उन्होंने कहा है कि पूरा मामला गंभीर है और पूरा मामला आर्मी ऑफिसर के साथ हुई घटना से है, इसलिए गंभीरता से पूरे मामले की जांच चल रही, बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, अलग अलग टीम का गठन किया जा रहा है, और इस वक्त जाम गेट बिल्कुल रोकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ आईजी ग्रामीण अनुराग जी जुड़ गए। अनुराग जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। लुटेरे इतने ज्यादा बेखौफ हैं कि आर्मी ऑफिसर के साथ लूट की घटना हो जाती है, कोई जानकारी मिल पाई सर किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? ये मिडनाइट की घटना है और ऐसे बिल्कुल ही अलग थलग सुनसान इलाके में ये घटना घटी है। वहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर जो ट्रेनिंग के लिए आए थे वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गए थे जी, और वहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों ने घटना कारित की है जिसमें मारपीट और लूट की घटना अभी तक पता चला है मुझे। इसके लिए जो अज्ञात लोग हैं उनको ढूंढने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारी अलग अलग टीम लगी हुई है और बहुत जल्द हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। कोई जानकारी मिल पाई है कि कुल कितने लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया, मारपीट की है, और जिन आर्मी ऑफिसर के साथ मारपीट हुई है क्या वो गंभीर हालत है, क्या ज्यादा जख्मी हुए हैं वो? नहीं, कोई गंभीर नहीं है, मारपीट उस तरह से नहीं हुई है कि बहुत गंभीर कोई चोट है, और उसमें 5-6 लोगों की सूचना आ रही है कि 5-6 लोग थे वहाँ पे, अज्ञात लोग। ठीक है, यानी कि पूरा गैंग था,
बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब 5 से 6 लोग गैंग में बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और उनकी जांच अब की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। मिथिलेश आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, गुना में फिर दिखा रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से वाहन के साथ फरार हो गया। नानाखेड़ी क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गुना से, जहां पर एक बार फिर से रफ्तार का कहर बरपा। और ये देखिए, जो चार पहिया वाहन आगे के जो हिस्सा है वो पूरा परखच्चे उड़ गए हैं वाहन के, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर थी। हादसे में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, और कार की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि बच पाना भी बहुत मुश्किल है।